हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे के सारे? बढ़िया, ऑल गुड। थोड़े से परेशान चल रहे हो? क्यों चल रहे हो थोड़े से परेशान? चीज़ें याद नहीं हो पा रही, रिटेन नहीं हो पा रही दिमाग में? कोई बात नहीं, इससे सैड होने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। एकदम से कोई चीज़ें याद नहीं हो पाती। सबकी ब्रेन कैपेसिटी अलग अलग है, किसी को जल्दी हो जाएगा, किसी को लेट होगा। तुम्हें भी कोई टॉपिक जल्दी याद हो सकता है, तुम्हें भी कोई टॉपिक लेट याद हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हिम्मत बना के चलो और धीरे धीरे ही सही, लेकिन डेली रिवीजन की हैबिट डालो। डेली रिवाइज करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम्हें लगता है चीज़ें रिवाइज नहीं हो रही, लिख के प्रैक्टिस कर लो फटाफट, उसे पॉइंट बाय पॉइंट लिख लो। अभी अभी पढ़ा है, बुक साइड करो, एक फ्रेश पेज लो और पॉइंट्स लिख के कोशिश करो। तुमने अभी जो जो पढ़ा, क्या सारे पॉइंट्स तुम्हें याद हुए? नहीं तो किसी की हेल्प ले लो, उनको बोलो कि प्लीज़ एक बार आप चेक कर लो कि मुझे सारी चीज़ याद नहीं है। कॉपी किताब उनके सामने रख दो और बोलना शुरू हो जाओ तोते की तरह। तो टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है? सॉर्टेड है, स्माइल करो, फ्रेश माइंड से बैठो और लेक्चर वापस से हम शुरू करेंगे। अब लास्ट क्लास देख लो, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर टू जो हमने लिया था, उस लेक्चर टू के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो भी माइक्रोस्पोर बने थे, वो सारे के सारे माइक्रोस्पोर चेंज होने थे पोलन ग्रेन में। पोलन ग्रेन को हमने कहा था मेल गेमिटोफाइट। रिड्यूस्ड इसलिए क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है, 25 से 50 माइक्रोमीटर उसका हमने डायमीटर पढ़ा था, छोटा सा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। लेकिन उसमें चेंजेस कैसे कैसे होते हैं, हमने कहा था वहां पे जो चेंजेस हैं, सबसे पहले एक्सटर्नली बाहर से देखें तो टेपिडम स्पोरोपोलिनिन भेज रहा था, उससे बाहर एक्साइन बन रही है। माइक्रोस्पोर खुद पेक्टिन और सेलुलोज सिक्रीट कर रहा था, उससे इंटाइन बन रही थी। इंटाइन कॉन्टिन्यूस थी, एक्साइन डिसकॉन्टिन्यूस थी। क्यों बताया था? एक्साइन में कुछ कुछ जगह गैप होते हैं जर्म पोर नाम के, जहां से पोलन ट्यूब निकलेगी, तो वो हमने गैप देखे थे सारे के सारे। फिर हमने कहा इंटरनली क्या होगा, वैक्यूल बनेंगे, वैक्यूल फ्यूज होंगे तो बेचारा न्यूक्लियस साइड हो जाएगा, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स बन रहे थे, एसिमेट्रिक माइटोसिस हो रही थी, तो दो अनइक्वल सेल्स बने। इसका कोई जवाब नहीं कि क्यों अनइक्वल हुआ, होता है ऐसा, बड़ा वाला वेजिटेटिव, छोटा वाला जनरेटिव। और हमने कहा था जनरेटिव सेल अपने आप को लार्ज वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कराता है। स्पिंडल शेप का था हमारा जनरेटिव सेल। इस पोलन ग्रेन को जहां एक्साइन है, इंटाइन है, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, उसमें वेजिटेटिव के अंदर जनरेटिव सेल, इसको हमने कहा था टू सेल्ड पोलन ग्रेन या मैच्योर पोलन ग्रेन। गेमिटोफाइट के टर्म्स में इसको हमने इमैच्योर गेमिटोफाइट कहा था। फिर हमने कहा एंथर खुलेगा और ये टू सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन्स शेड हो जाएंगे, निकल जाएंगे, अपने अपने स्टिग्मा पे पहुंचना होगा। फिर हमने कहा कुछ एंजियोस्पर्म्स हैं जहां पे एंथर अभी भी बंद रहता है, पोलन ग्रेन के अंदर ही जेनरेटिव सेल माइटोसिस करके दो हैप्लॉयड नॉन मोटाइल अमीबॉयड मेल गैमिट बनाते हैं, जिसे हमने कहा था स्पर्म सेल। ठीक है, हमने कहा था पोलन न्यूट्रिशियस हो सकता है, पोलन एलर्जी करा सकता है, पोलन एंथर से निकलने के बाद कितनी देर तक फर्टाइल है उसको वायबिलिटी कहा था, रोजेसी, सोलनेसी, लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी को आज फैबिसी कहते हैं। इनमें हमने कहा था ये पीरियड सेवरल मंथ्स का था, राइस वीट वगैरह में, ग्रासेस में, पोएसी में, ये चीज़ सीरियल्स जो हैं सारे, इसमें ये चीज़ 30 मिनट्स की थी। इस पे हमने अपना लास्ट लेक्चर वाइंड अप करके एनसीईआरटी रीडिंग कर ली थी। आज जो हमें लेक्चर देखना है, आज के टॉपिक में मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे पिस्टल के बारे में। हमने कहा था ना कि सारे के सारे जो इवेंट्स हैं फर्टिलाइजेशन से पहले के, उसमें पिस्टल
प्री फर्टिलाइजेशन में गेमिटोजेनेसिस और गेमिट ट्रांसफर आएगा। अभी हम सिर्फ गेमिटोजेनेसिस पर हैं, और गेमिटोजेनेसिस में भी क्या एनसीईआरटी की हेडिंग क्या डिस्कस करी थी हमने फर्स्ट लेक्चर में, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, ये हेडिंग थी एनसीईआरटी की। तो अभी हमने पहले मेल पूरा स्ट्रक्चर देखा था एक क्लास में, फिर हमने देखा मेल गैमिट तक की डेवलपमेंट कैसे हो रही थी, पोलन ग्रेन जनरेटिव सेल और उससे माइटोसिस से मेल गैमिट कैसे बने थे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फीमेल डेवलपमेंट। आज के लेक्चर में जो चीज़ हम देखने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि फीमेल के पास क्या होता है, कार्पल होता है। कार्पल में हम पढ़ेंगे एक स्ट्रक्चर ओवरी होगी, ओवरी के अंदर हम पढ़ेंगे ओव्यूल बनेगा, ओव्यूल के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमें एक मेगास्पोर मदर सेल मिलेगा। फिर हमने क्या कहा था, जैसे मेल में हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फिर माइक्रोगेमिटोजेनेसिस, सेम चीज यहां पर भी हम देखेंगे। मेगास्पोर मदर सेल में हम देखेंगे कि मियोसिस होएगी, तो मियोसिस से मेगास्पोर्स बनेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये जो मेगास्पोर्स हैं इनमें माइटोसिस होगी, तो उससे एम्ब्रियो सैक बनेगा, और एम्ब्रियो सैक के अंदर हमें एग सेल मिलेगा। तो ये सारे इवेंट्स हम कवर करेंगे। पिस्टल के बारे में, पिस्टल हो गया पूरा कार्पल, कार्पल का स्ट्रक्चर और बेसिक 11th की मॉर्फोलॉजी की चीजें देखेंगे। मेगास्पोरांजियम क्या है हमारा, ओव्यूल, और फिर हम देखेंगे ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस ये वाला पार्ट होगा, कैसे मेगास्पोर बनेगा वो मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मेगा गेमिटोजेनेसिस। मेगा गेमिट एग सेल को कहते हैं, जैसे माइक्रोगेमिट मेल था, मेगागेमिट फीमेल गेमिट को कहते हैं। तो वो हम देखेंगे कि कैसे हमारे मेगास्पोर से हमारा एग तक का सफर तय होगा। तो आज हम ये सारी की सारी फीमेल डेवलपमेंट देखेंगे। तो ये एनसीईआरटी की आपकी हेडिंग है, पिस्टल मेगास्पोरांजियम एंड एम्ब्रियो सैक। ठीक है, मन में चल रहा है सर आपने आज का ज्ञान नहीं दिया, आज का ज्ञान लास्ट में देंगे, कभी पहले कभी बाद में, है ना, ज्ञान आगे पीछे चलता रहता है। चलो डेट डालेंगे, सेम सेम डिसिप्लिन, डेट डालेंगे, डेट डाल के हेडिंग डालेंगे गाइनोशियम, डेट डाल के हेडिंग डालेंगे गाइनोशियम। अब गाइनोशियम क्या है, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने, गाइनोशियम एक एसेंशियल वर्ल है। वर्ल का मतलब हमने पढ़ा था क्लस्टर या ग्रुप। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ग्रुप है वो है गाइनोशियम। डाल लो हेडिंग गाइनोशियम। हमने कहा था गाइनोशियम के इंडिविजुअल यूनिट को हम कार्पल कहते हैं, कार्पल वॉज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कार्पल वॉज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब एक फ्लावर अगर हम देखें, अगर हम फ्लावर देखते हैं तो हो सकता है उस फ्लावर के पास एक ही कार्पल हो, है ना, और ऐसा भी हो सकता है कि इस फ्लावर के पास एक से ज्यादा कार्पल्स हो। दोनों ही कंडीशन पॉसिबल है ना, फ्लावर में एक कार्पल हो सकता है या फ्लावर में बहुत सारे कार्पल हो सकते हैं। तो दो कंडीशंस सबसे पहले जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे मोनोकार्पेलरी
और मल्टी कार्पलरी, मतलब एक कार्पल है या बहुत सारे कार्पल हैं? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट बेटा। हाँ जी, हाँ जी, आ गया मैं वापस, आ गया आ गया आ गया। तुम भी आ जाओ वापस, तुम भी 2 मिनट उठ के तो नहीं चले गए? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ वापस, आ जाओ। बीच में भी किसी को लगाओ चलो सर चले गए हम भी चले जाते हैं, आ जाइए वापस। हाँ जी, तो गायनोशम की अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब हो सकता है कि फ्लावर में एक ही कार्पल हो, तो उसे आप बोलोगे मोनो कार्पेलरी। एक कार्पल का मतलब मोनो कार्पेलरी। हो सकता है बहुत सारे कार्पल्स हों, तो उस फ्लावर को हम बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। तो दो पार्ट में डिवाइड कर लो कार्पल्स को, मोनो कार्पेलरी एंड मल्टी कार्पेलरी। मोनो मतलब एक, मल्टी मतलब बहुत सारे। मल्टी का ही एक और नाम पॉली कार्पेलरी, मल्टी को ही हम पॉली कार्पेलरी कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? मोनो कार्पेलरी में सिंगल फ्लावर हैज वन कार्पल। एक ही स्ट्रक्चर, एक ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इफ देयर इज ओनली वन कार्पल देन इट विल बी नोन एज मोनो कार्पेलरी। पॉली में क्या लिख सकते हैं हम? सिंगल फ्लावर हैज मोर देन वन कार्पल, एक से ज्यादा कार्पल हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है, नाम से पता चल रहा है। फ्लावर के पास एक कार्पल तो मोनोकार्पलरी, फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पल तो पॉलीकार्पलरी। लिख लो इसको, मोनोकार्पलरी पॉलीकार्पलरी। मोनो की जब हम बात करते हैं आगे, मोनो की जब हम बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में फैले हुए हैं। कैसे फैले हुए हैं? इसमें हमारे एग्जाम्पल आ सकते हैं मैंगो, कोकोनट। कैसे? ठीक है, एक बार अपनी 11th की बुक उठा के लाओ, मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर खोलो 11th की एनसीईआरटी में बायो की, और उसमें फ्रूट में जाओ, वहां तुम्हें यह मिलेगा। एनसीईआरटी ने लिखा है कि मैंगो और कोकोनट के पास जो फ्रूट होता है उसे ड्रूप बुलाते हैं, DRUPE मिलेगा। और लिखा है एनसीईआरटी ने, इट डेवलप्स फ्रॉम मोनो कार्पेलरी ओवरी। तो वहां से हिंट मिला कि इन दोनों के पास मोनो कार्पेलरी कंडीशन है। फिर सेम चैप्टर में, उसी सेम चैप्टर में आगे जाओ जहां फैमिलीज दी हुई हैं। आलस छोड़ो, अपनी 11th की एनसीईआरटी लेके बैठो, उठो 11th की एनसीईआरटी लाओ। बिल्कुल ऐसे हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं करके बैठे रहते हो यार, लेके आओ यार बुक। फैबेसी पुराना नाम लिख रहे हैं इसका, लेग्यूमिनोसी। इसी में सारे पल्सेस आ जाते हैं, सारी दाल इसी में है, सोयाबीन वगैरह इसी में, गार्डन पी, स्वीट पी, सब इसी में है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि इनके पास भी क्या है, मोनो कार्पेलरी कंडीशन है। दे ऑल्सो हैव मोनो कार्पेलरी कंडीशन। और इसके अलावा सीरियल्स, टीवी वाले सीरियल नहीं, राइस व्हीट मेज वाले सीरियल, पोएसी के मेंबर्स, ऑल ऑफ देम हैव मोनो कार्पेलरी कंडीशन। अच्छे से याद रखना पड़ेगा, इन सब के पास सिंगल कार्पल की कंडीशन है। मल्टी कार्पलरी की बात अगर हम करें,
तो इसको और दो टाइप में डिवाइड करना पड़ता है। ये भी इलेवेंथ में ही है, वही इलेवेंथ की जो मॉर्फोलॉजी की एनसीईआरटी है उसमें गायनोशियम का टॉपिक खोलो, इलेवेंथ के एनसीईआरटी में ही गायनोशियम का टॉपिक खोलो, वहां पे देखो लिखा हुआ है, नीचे की लाइंस में जाओ, 5-6 लाइन नीचे उन्होंने लिखा है कि इफ देयर आर मोर देन वन कार्पल, एक से ज्यादा कार्पल होते हैं तो दो कंडीशन आती है। एक कंडीशन है जहां पे सारे कार्पल्स फ्री हैं, और सेकंड कंडीशन है जहां पे कार्पल्स फ्यूज्ड हैं। फ्यूज्ड वाले को एनसीईआरटी ने लिखा है सिनकार्पस। सिन मतलब होता है फ्यूज्ड, कार्पल्स आर फ्यूज्ड एंड द कार्पल्स आर फ्री, इट इज नोन एज एपोकार्पस। सिन कार्पस एंड एपोकार्पस। सिन कार्पस मतलब कार्पल्स सारे फ्यूज्ड हैं, एपोकार्पस में कार्पल्स फ्री हैं। सिंगल व्यू देख लो, जब भी मैं तुम्हें सिंगल व्यू छोड़ता हूं तो इसका ये मतलब है तुम पॉज करके अगर कुछ मिसिंग नोट्स है तो पूरे कर सकते हो। तो या तो एक ही कार्पल है तो मोनोकार्पलरी, अगर बहुत सारे कार्पल हैं तो मल्टी कार्पलरी। मल्टी कार्पलरी में दो कंडीशन हमेशा हो सकती हैं, या तो सारे के सारे कार्पल्स फ्री या सारे के सारे कार्पल्स फ्यूज्ड, तो सिन कार्पस एंड एपोकार्पस के नाम आ जाते हैं। ये जो ऊपर डायग्राम दिख रहा है इसमें मैंने सारे कार्पल्स अलग अलग बनाए हैं, तो ये एक तरीके से मेरा एपोकार्पस कंडीशन है, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस। एग्जाम्पल्स की लिस्ट दे रहा हूं, ये वो एग्जाम्पल की लिस्ट है जो इलेवेंथ और ट्वेल्थ मिला के है, इलेवेंथ और ट्वेल्थ मिला के हैं। ये दोनों ही किसकी कंडीशन है, एपोकार्पस सिनकार्पस दोनों किसकी कंडीशन है? करेक्ट, या तो मल्टी कार्पिलरी बोल लो या पॉली कार्पिलरी बोल लो। एपोकार्पस के केस में मान लो ये मैंने बनाया अपना थैलमस, सिन कार्पस के केस में मैं बना देता हूं अपना थैलमस। इनके केस में जितनी ओवरीज हैं तो एक ही फ्लावर के पास, लेकिन ऑल ऑफ देम आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये सारी की सारी ओवरीज, सारा स्ट्रक्चर क्या है मेरा, एक कार्पल पेटल बना देते हैं बस ऐसे रैंडम कि थोड़ा फूल जैसा फूल लगे ये मेरा। ठीक है, एक ही फ्लावर में बहुत सारे कार्पल जो फ्री हैं एक दूसरे से, वहीं पर यहां अगर मुझे यही सेम चीज दिखानी हो तो सारे के सारे कार्पल्स फ्यूज्ड हैं, सारे कार्पल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं, इन सब की स्टाइल भी फ्यूज्ड है, लेकिन स्टिग्मा अलग अलग देखा जा सकता होगा, स्टिग्मा अलग अलग देखा जा सकता है। ठीक है, ये पूरा फूल है, तो एपोकार्पस कार्पल्स आर फ्री, सिन कार्पस कार्पल्स आर फ्यूज्ड, और दोनों ही क्या है, मल्टी कार्पलरी या पॉली कार्पलरी के अंदर। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें अब, तो एपोकार्पस में लोटस, रोज, स्ट्रॉबेरी, इनके एग्जाम्पल हमें इलेवेंथ की बुक में मिलते हैं। मिशेलिया, मिशेलिया हमें ट्वेल्थ की बुक में मिलता है, और मिशेलिया जो है हमारा, इसी को चंपक बोलते हैं, चंपक के फूल। तो लोटस, रोज, स्ट्रॉबेरी याद रखना है,
मिशेलिया याद रखना है, दिमाग में वापस तुम्हारे यही आता रहता है, शॉर्टकट बता दो, शॉर्टकट बता दो, डायरेक्ट रटो इसको एकदम टिप्स पे, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तुम्हारे दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए, अच्छा ये चीज है। सिनकार्पस 11th की बुक में क्या क्या दिया है? 11th की मॉर्फोलॉजी में सारी की सारी ब्रासिकेसी, मस्टर्ड की फैमिली है ये, ब्रासिकेसी इज मस्टर्ड फैमिली, मस्टर्ड फैमिली के ही अंदर तुम्हारा कैबेज, तुम्हारा कॉलीफ्लावर, तुम्हारा रेडिश, तुम्हारे बीटरूट, टर्निप्स सब इसी के अंदर आ रहे हैं। 11th की ही बुक में सोलनेसी इसके अंदर है, 11th के बुक में लिलिएसी इसके अंदर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब देखोगे तो तुम्हें मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन जहां एक डब्बे में 15 20 फ्लावर या प्लांट के नाम है और पूछ लेंगे बताओ जी कौन सिनकार्पस है। अब तुम सोचते रहोगे यार एनसीईआरटी में तो बस 3 ही एग्जाम्पल दिए सिनकार्पस के और नीट ने इतने सारे पूछ लिए, आउट ऑफ एनसीईआरटी बना दिया। नहीं, ब्रासिकेसी, सोलनेसी, लिलिएसी तीनों एनसीईआरटी में है, इनकी फैमिली का कोई भी एग्जाम्पल उठ के आ सकता है 11 से भी। इसके अलावा चाइना रोज, चाइना रोज को ही शूफ्लार कहते हैं, साइंटिफिक नेम इसी का हिबिस्कस है। पांच कार्पल्स हैं जो फ्यूज्ड हैं, पेंटा कार्पिलरी सिनकार्पस, लिलिएसी ट्राई कार्पिलरी सिनकार्पस, सोलनेसी बाय कार्पिलरी सिनकार्पस, ब्रासिकेसी बाय कार्पिलरी सिनकार्पस, और सबके पास यहां पे सुपीरियर ओवरी है। सुपीरियर ओवरी भी 11th में पढ़ा था, थैलेमस में सबसे ऊपर की पोजीशन पे ओवरी है और बाकी सारे सेपल पेटल एंड्रोशियम उसके नीचे से आते हैं। इसके अलावा यहां पे एक बहुत स्पेशल एग्जांपल पॉपी का, पैपावर सोमनीफेरम, पैपावर सोमनीफेरम, इसमें बहुत सारे कार्पल्स हैं, गिनना मुश्किल हो जाता है थोड़ा, तो बस हम इसमें लिख देते हैं मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस। बहुत सारे हैं, पैपावर का प्लांट, अफीम सुना है? अफीम, अफीम सबने सुना है, तो अफीम है, अफीम का पौधा पैपावर सोमनीफेरम। तो ये लिस्ट अच्छे से दिमाग में रखनी है, कुछ भी एनसीईआरटी खिचड़ी बना के दे सकती है तुम्हें, गुगली फेंक सकती है, ठीक है? देख लो सिंगल व्यू इसका। फिर आगे चलते हैं हम कार्पल के स्ट्रक्चर पे। अभी तो हमने नंबर के बेसिस पर देखा, अब हम देख रहे हैं कार्पल का स्ट्रक्चर। तो जब हम एक फ्लावर बनाते हैं तो इस फ्लावर पे ये एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें इस टाइप से। तो ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, बीच में जो ट्यूब है इसको बोल देते हैं स्टाइल, जो बेस का सोलन पार्ट है इसे बोल देते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर हम पढ़ते हैं कि एक टिश्यू मिलती है, इस टिश्यू को हम बोलते हैं प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा पर मिलता है हमें हमारा ओव्यूल। ओवरी खाली बेसल पार्ट को कहते हैं, उस ओवरी के अंदर जो चेम्बर है सारा का सारा, ओवरी के अंदर जो सारा का सारा चेम्बर है, उस चेम्बर को अंदर की जो सारी एम्प्टी स्पेस है, जैसे हमने कहा था एंथर के अंदर एम्प्टी स्पेस होती है, हमने कहा था एंथर के अंदर
एम्प्टी स्पेस है, क्या नाम था उस एम्प्टी स्पेस का? एंथर के अंदर एम्प्टी स्पेस का नाम क्या था? टाइप करो। यस गुड, थीका। ऐसे ही ओवरी के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है उसको सिंपली बोल दिया जाता है लॉक्यूल। इट इज जस्ट द एम्प्टी स्पेस। तो कार्पल के स्ट्रक्चर में हमें स्टिग्मा मिलता है, स्टाइल मिलता है, ओवरी मिलती है। ओवरी के अंदर जो खाली जगह है वो है आपका लॉक्यूल। उस लॉक्यूल के अंदर, उस खाली जगह के अंदर कुशन लाइक टिश्यू, गद्देदार टिश्यू, प्लेसेंटा, और फिर वहां पर आपका प्रेजेंट है साथ में ओव्यूल, जिसे हमने कहा था मेगास्पोरेंजियम। यही मेगास्पोरेंजियम है हमारा, जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक और उसके अंदर एग मिलेगा। तो ये है, क्या क्या फीचर्स हैं इनके, क्या खासियत है इनकी। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा एयरपोर्ट की तरह है, रनवे की तरह है। इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म। कौन लैंड करेगा इस पे? हेलीकॉप्टर? नहीं, हमने कहा था एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होता है, तो रिलीज होके कहाँ जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर जाएगा। तो इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। इट मे बी ड्राई और इट मे बी स्टिकी। प्लांट टू प्लांट अलग अलग फीचर होता है। कुछ प्लांट के फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके पोलन ग्रेन्स स्टिकी हैं, पहले से चिपचिपे पोलन ग्रेन्स हैं, तो वो अपने स्टिग्मा को ड्राई रखते हैं जिससे अच्छे से चिपक पाए। जहां पर पोलन ग्रेन्स नॉन स्टिकी हैं वहां स्टिग्मा कहता है चलो मैं स्टिकी हो जाता हूं कि हवा से पोलन ग्रेन चिपका पाए। तो हम पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में, आगे आएगा कहां स्टिकी है कहां ड्राई है। ठीक है, फिर ये जो बीच की ट्यूब है, बीच की जो ट्यूब है वो स्टाइल है। इट इज अ लॉन्ग स्टॉक। स्टॉक मतलब एक डंडे जैसा स्ट्रक्चर। इट इज अ लॉन्ग स्टॉक। और ये क्या है? इट इज अ पाथवे फॉर पोलन ट्यूब ग्रोथ। इट इज अ पाथवे फॉर पोलन ट्यूब ग्रोथ। इट इज अ पाथवे फॉर पोलन ट्यूब ग्रोथ। क्या मतलब है इसका? ये एक पाथ है, एक रास्ता है जहां पर पोलन ट्यूब ग्रो करके आता है। तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ इस स्टाइल के अंदर होती है। स्टाइल को भी जब काट के देखते हैं ना, तो स्टाइल में भी हॉलो और सॉलिड। स्टाइल को जब हम काटते हैं तो हो सकता है हॉलो हो या हो सकता है सॉलिड हो। मतलब मान लेते हैं ये स्टाइल है, तुमने कट किया है इसको। अब कट करके दो ही कंडीशन है, जब तुमने कट किया हो सकता है अंदर से बिल्कुल हॉलो निकले, ये एकदम खाली है अंदर से, तुमने अपने स्टाइल को कट किया। ट्रांसवर्स सेक्शन, पेन है, अगर मैं इसे ऐसे काट दूं तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाएगा। तो ट्रांसवर्स सेक्शन काटने में हो सकता है बिल्कुल खाली निकले, तो इसे बोलेंगे हॉलो स्टाइल। और मान लो तुमने इसे काटा लेकिन तुम्हें इसके अंदर कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स मिल रहे हैं। एम्प्टी नहीं है ये, इसके अंदर सेल्स हैं। यू हैव सम सेल्स। तो इन सेल्स का नाम दिया है, नीट में क्वेश्चन आ गया था आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ट्रांसमिशन टिश्यू। दे आर नथिंग बट पैरेन्काइमा सेल्स। और इसको हम बोलेंगे सॉलिड स्टाइल। सोच रहे होगे ना दिमाग में कि हॉलो के अंदर तो पोलन ट्यूब ग्रो कर जाएगा,
सॉलिड के अंदर पोलन ट्यूब कैसे ग्रो करेगा, तो इसको अभी हम मिस्ट्री रहने देते हैं। जब पोलन ट्यूब की ग्रोथ पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इसके अंदर क्या मैकेनिज्म फॉलो करके वो ग्रो करता है। ठीक है, तो स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, स्टाइल इस ट्यूब को बोल रहे हैं, इसमें पोलन ट्यूब ग्रो करती है। जब आप इसे काट के देखोगे या तो ये बिल्कुल खाली मिलेगा तो आप इसे बोलोगे हॉलो स्टाइल, अगर इसके अंदर पैरेन्काइमा भरा है तो आप स्टाइल को बोलोगे सॉलिड स्टाइल, और वो जो सेल्स हैं उसको बोलोगे ट्रांसमिशन टिश्यू। ठीक है, फिर आती है हमारी ओवरी। ओवरी इज द बेसल, मतलब बिल्कुल बेस में, गेट बंद कर दे भाई, बेसल सोलन पोर्शन। जैसे आपने केमिस्ट्री लैब में राउंड बॉटम फ्लास्क देखे होंगे, तो नीचे से गोल होते हैं ना, तो बेस में सोलन मतलब फूला हुआ पोर्शन इज ओवरी। ओवरी हैज चेम्बर, ओवरी के अंदर जो खाली जगह है, जैसे एंथर में थीका था वैसे यहां पे जो खाली जगह है उसको हमने बस मार्क कर दिया है लॉक्यूल। गद्देदार टिश्यू है, क्या है? गद्देदार टिश्यू। इस गद्देदार टिश्यू को कहा जाता है प्लेसेंटा, एंड इसी प्लेसेंटा पर आपको मिलेंगे ओव्यूल। प्लेसेंटा बेयर्स ओव्यूल्स। तो ये है सारा का सारा आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी की खासियत। अगर मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है तो बहुत सारे कार्पल्स हैं, मतलब बहुत सारी ओवरीज होंगी। फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस, अलग अलग हैं तो एपोकार्पस। अगर फ्लावर के पास एक ही कार्पल है मतलब उसके पास एक ही ओवरी है। सिंगल ओवरी में फ्री और फ्यूज का कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो हैव अ सिंगल व्यू, इस सिंगल व्यू में जो भी मिसिंग है वो आप पूरा कर लेना पॉज करके इसको। ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। अब अगर हम ओवरी की बात करें तो अब इसमें दो कंडीशन बताई एनसीईआरटी ने, क्या? हमने ये तो बोल दिया ओवरी के अंदर प्लासेंटा, प्लासेंटा के पास ओव्यूल, बट ओव्यूल के नंबर वैरी कर सकते हैं। हो सकता है ओवरी के अंदर एक ओव्यूल हो सकता है ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हों। ओवरी के अंदर हो सकता है एक ओव्यूल हो सकता है बहुत सारे ओव्यूल हों। अब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने, ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड। तो अगर ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल है तो इट गिव्स राइज टू सिंगल सीडेड फ्रूट। अगर ओवरी के पास एक ही ओव्यूल है तो उससे ऐसे फल बनेंगे जिसमें एक ही बीज होगा, एंड दिस गिव्स राइज टू मल्टी सीडेड फ्रूट। ठीक है, ओवरी के अंदर एक ओव्यूल है तो सिंगल बीज वाले फल बनेंगे, ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल थे तो बहुत सारे बीज वाले फल बनेंगे। क्या एग्जाम्पल्स हैं जो तुमने पढ़े हैं? सिंगल बीज वाले पोएसी के मेंबर्स होंगे, राइस, वीट, मेज, इन सब में हर फ्रूट के अंदर एक ही बीज होता है। मैंगो, कोकोनट, एक ही बीज होता है। इसके अलावा
मैरीगोल्ड सनफ्लावर। अब मैरीगोल्ड सनफ्लावर कैसे आया यहाँ पे? एनसीईआरटी में वही 11th की मॉर्फोलॉजी का चैप्टर, वहां पे एनसीईआरटी ने प्लेसेंटेशन में लास्ट प्लेसेंटेशन दिए बेसल प्लेसेंटेशन, बिल्कुल फ्रूट वाले टॉपिक के ऊपर देखो वहां मिलेगा। बेसल प्लेसेंटेशन में एनसीईआरटी ने बताया है दैट इट कंटेन्स ओनली सिंगल ओव्यूल, तो वहां एग्जाम्पल मैरीगोल्ड सनफ्लावर है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स आए। और मल्टी सीडेड में तो तुम्हें पता ही है कितने सारे फ्रूट्स हैं जिसमें तुम बहुत सारे बीज देखते हो। वाटरमेलन देखते हो, पपाया देखते हो, ऑर्किड्स देखते हो, है ना, कितने सारे हैं ये। इसके अलावा इस चैप्टर के एंड में, जब इस चैप्टर के एंड की तरफ जाते हैं ना, वहां पे तीन प्लांट्स और दिए हैं। फाइकस, वो भी मल्टी सीडेड होते हैं, और साथ में दो पैरासिटिक प्लांट्स हैं, ओरोबैंके एंड स्ट्रिगा। ओरोबैंके एंड स्ट्रिगा इस चैप्टर के एंड में एनसीईआरटी ने दिया है। पैरासिटिक नेचर के प्लांट्स हैं ये, पार्शली पैरासिटिक। तो एनसीईआरटी ने मल्टी सीडेड में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, वाटरमेलन, पपाया, ऑर्किड के अलावा ऑरेंज, एप्पल, जैक फ्रूट, नींबू तुम खाते हो, सिट्रस, है ना, कितने सारे फल है, ग्वावा देखा है तुम सबने, ग्वावा के अंदर मल्टी सीडेड कंडीशन है ना। तो ये सब के सब मल्टी सीडेड कंडीशन में आ जाएंगे। राइस, व्हीट, मेज के ग्रेन्स, मैंगो, कोकोनट, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, ये सारे के सारे सिंगल सीडेड कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, हैव अ सिंगल व्यू। तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दे रखी हैं, और यहां पे मैं तुम्हें 11th और 12th दोनों के एग्जांपल्स कंपाइल करा के लिखा रहा हूं, जिससे कि तुम्हें 11th और 12th में दो जगह एग्जाम्पल याद रखने तो हैं, लेकिन एक साथ इनको आपको याद रखना है यहां पे। ठीक है, ये है पैपावर का असली फ्लावर। अफीम के फूल बहुत सुंदर हैं, इन्हें ऑर्नामेंटली खूबसूरती के लिए यूज किया जाता है। बहुत सारे गार्डन्स में आपको ये मिलेंगे, कश्मीर घूमने जाओ, स्पेशली कश्मीर घूमने जाओगे तो वहां पे बहुत ब्यूटीफुल गार्डन्स हैं, उन गार्डन्स में बहुत सारे फ्लावर्स मिलते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्डन्स के अंदर बहुत सारी जगह ऑर्नामेंटली इनको ग्रो कराया जा रहा है। ठीक है, ये है मिशेलिया चंपक। तो ये वाला जो ऊपर पार्ट दिख रहा है इसका, ये वाला जो पार्ट है, ये एपोकार्पस कंडीशन है यहां पे सारी। और यहां पर अगर हम देखें तो ये है सारा का सारा इसका ओवरी वाला पार्ट, मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन की ओवरी। एनसीईआरटी ने चाइना रोज दिखा रखा है, चाइना रोज के स्टिग्मा भी दिख रहा है, ये एक दो, एक दो तीन चार पांच स्टिग्मा है, इससे हमें पता चलता है ये पेंटा कार्पलरी है। ये वाला डायग्राम पैपावर का दिया है, तो ये जो बीच का स्ट्रक्चर है वो ये वाला स्ट्रक्चर है। और फिर ये लास्ट वाला डायग्राम एनसीईआरटी ने मिशेलिया का दिया है। तो ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने बना के दिया है वो ये रहा यहां पे, इस तरीके से ये बहुत सारे कार्पल्स हैं अलग अलग, मल्टी कार्पलरी कंडीशन। ठीक है, क्लियर है एनसीईआरटी यहां तक? यहां तक अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में डालो बिना आलस के कि हाँ जी यहां तक क्लियर हो चुका है, चेक करूंगा मैं जहां जहां पूछ रहा हूं मैं। यहां तक क्लियर है सबको? सबको क्लियर है, वहां पे लिखो।
नेक्स्ट हम देखेंगे अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर. हेडिंग डालो एनाट्रोपस ओव्यूल. एनाट्रोपस ओव्यूल एनाट्रोपस ओव्यूल हम बोलते हैं एक इन्वर्टेड ओव्यूल को. इस तरीके से प्लासेंटा है हमारा. प्लासेंटा का ही जो एक्सटेंशन होता है, प्लासेंटा का ही एक्सटेंशन हमारा फ्यूनिकल होता है. और इस फ्यूनिकल के बाद जो सारा का सारा ओव्यूल है हमारा, इन्वर्ट हो जाता है. इस तरीके से ग्रो कर रहा था, ग्रो करते करते घूम गया 180 डिग्री, ट्विस्ट हो चुका है. तो इसको हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल कंडीशन. एक कंडीशन होती है जिम्नोस्पर्म्स में मिलती है, उसे कहा जाता है ऑर्थोट्रोपस. एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. जनरली हमें मिलता है जिम्नोस्पर्म्स में. ऑर्थोट्रोपस को अगर हमें दिखाना हो तो ऑर्थोट्रोपस को हम ऐसे दिखाते हैं. जिम्नोस्पर्म्स के केस में जो ओव्यूल होता है सारा का सारा, छोटा सा फ्यूनिकल, ये है ओव्यूल. प्लेसेंटा, जैसे हमें पता है हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करो तो मदर से प्लेसेंटा आता है, फिर वो प्लेसेंटा एक अम्बिलिकल कॉर्ड में जुड़ता है, वो फिर हमारे ह्यूमन बेबी फॉर्म में जुड़ता है. ऐसे ही प्लांट में भी प्लेसेंटा है. प्लेसेंटा के बाद इनके पास भी एक स्टॉक है आगे जो प्लेसेंटा से जुड़ा है, जिसको फ्यूनिकल कहते हैं. और पूरी ओव्यूल नीचे की तरफ घूमी हुई है. स्ट्रेट कंडीशन इसको बोलेंगे. यहां पे चीजें स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, यहां पर चीजें घूम चुकी हैं. द थिंग्स हैव टर्न्ड 180 डिग्रीज. तो इसको कहा जाता है इन्वर्टेड ओव्यूल. और जिम्नोस्पर्म्स हमें मिलता है स्ट्रेट ओव्यूल या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. कुछ एंजियोस्पर्म्स होते हैं जिसमें ऑर्थोट्रोपस कंडीशन है. तो अगर एंजियोस्पर्म में ऑर्थोट्रोपस देखें, इट इज वेरी रेयर. एंजियोस्पर्म्स में सबसे कॉमन कंडीशन एनाट्रोपस है. रफली 80% एंजियोस्पर्म्स में आपके पास एनाट्रोपस ओव्यूल है. सेम कलर्स यूज कर रहा हूं. ओवरी बना दी, प्लेसेंटा बनाया, फ्यूनिकल बनाया, और इस तरीके से अगर ये ओव्यूल होता, ऑल ऑफ देम फ्यूनिकल, चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड इन अ स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन में जब होते हैं तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ये कॉमन कंडीशन है. एंजियोस्पर्म्स में ऑर्थोट्रोपस इज वेरी वेरी रेयर. एंजियोस्पर्म्स में द मोस्ट कॉमन कंडीशन इज एनाट्रोपस. ओव्यूल ऐसे इन्वर्ट हो चुका है.
ओव्यूल हैज बीन इनवर्टेड, ग्रो करता 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 नीचे की तरफ घूम जाता है, ठीक है? तो दिस इज नोन एज द एनाट्रोपस ओव्यूल। देख लो एक बार सिंगल व्यू, इन केस इन्वर्ट हो चुका है हमारा पूरा ओव्यूल। अब उस इन्वर्टेड ओव्यूल को कितने कंडीशंस में आप देख सकते हो? एनसीईआरटी ने जो डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम है एनसीईआरटी का। अब एनसीईआरटी के डायग्राम में तुम्हें देख के लगेगा कि ये स्ट्रेट है, बट ये स्ट्रेट है नहीं। एनसीईआरटी के डायग्राम में सारा का सारा जो फ्यूनिकल है ये ऊपर के डायरेक्शन से आ रहा है और ये आता आता ऐसे घूम चुका है, तो ये भी 180 डिग्री घुमा हुआ माना जाएगा। इस तरीके से ये ग्रो करके 180 डिग्री रोटेशन दिखा रहा है, तो दिस इज ऑल्सो एनाट्रोपस। ये यहां से स्टार्ट हुआ है लेकिन ये घूमता हुआ देखा जा सकता है, ग्रो करते करते ये ट्विस्ट हो जाता है 180 डिग्री। हम जो अपना डायग्राम बना रहे हैं, हम इस डायरेक्शन का बना रहे हैं, हमारे में डायरेक्शन क्या है, यहां से ये डायरेक्शन चल रहा है और ये घूमता घूमता नीचे। तो सेम ही कंडीशन है, ऊपर से फ्यू निकल आएगा तो घूम गया, नीचे से फ्यू निकल आएगा तो घूम गया। ठीक है, बनाना शुरू करें। सबसे पहले ये डंडी बना रहे हैं हम। ये जो डंडी हमने बनाई है ये एक स्टॉक है, ये एक कनेक्शन है जिससे हमारा ओव्यूल अपने प्लेसेंटा से जुड़ता है, इसे कहा जाएगा फ्यूनिकल। फिर ओव्यूल को जब हम देखते हैं ना, तो ओव्यूल के पास प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं। इन प्रोटेक्टिव एनवेलप्स को कहा जाता है इंटेग्यूमेंट। यूजुअली दो प्रोटेक्टिव एनवेलप्स हैं तो इनको हम बोलेंगे इंटेग्यूमेंट। दो इंटेग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट प्रोटेक्टिव एनवेलप्स हैं। फिर ओव्यूल की जो मेन बॉडी है, द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल, जिस सेल की है उस सेल को कहा जाता है न्यू सेलस। न्यूक्लियस नहीं, न्यू सेलस। और इसी के अंदर एम्बेडेड होगा हमारा एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ही एग मिलता है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है। अब यहां पे दिख रहा होगा एक ओपनिंग सी छोड़ दी हमने, ये एक ओपनिंग दिख रही है जहां इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है। दिस ओपनिंग इज नोन एज माइक्रो पाइल, इसे हम टिप कंसिडर करते हैं ओव्यूल की। और ये जो पीछे है, दिस इज नोन एज दी चलाजा या चलाजल एंड, इसको हम बेस कंसिडर करते हैं ओव्यूल का। तो दिस इज अ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। फ्यूनिकल ग्रो कर रहा था लेकिन ग्रो करते करते चीजें अपसाइड डाउन हो चुकी हैं। थिंग्स हैव टर्न अपसाइड डाउन।
फिर से दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी का डायग्राम। यहाँ पे तो तुम्हें लग रहा है ये ऊपर की तरफ है, लेकिन ये ऊपर नहीं है। फ्यूनिकल इसमें, ये है फ्यूनिकल जो एनसीईआरटी ने दिखाया है, ऊपर से आ रहा है। तो ये ऊपर से आता आता ऐसे घूम चुका है, तो इसलिए ये भी एनाट्रोपस कंसिडर किया जाएगा। फिर तुम देख सकते हो फ्यूनिकल और ओव्यूल के बॉडी का अटैचमेंट पॉइंट है। ये जो एरिया है बीच का, बस जो कॉमन एरिया है ओव्यूल का और फ्यूनिकल का, जितने हिस्से में ये कनेक्टेड हैं इतने हिस्से को बस बोल दिया जाता है हाइलम। इट इज जस्ट द कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूनिकल विद ओव्यूल। ठीक है, डायग्राम कर लो एक बार कंप्लीट। फ्यूनिकल डिप्लॉयड टिश्यू होती है, चलाजल सेल्स डिप्लॉयड, न्यूसिलस डिप्लॉयड, इंटेग्यूमेंट डिप्लॉयड। माइक्रोपाइल खाली ओपनिंग है, उसकी कोई प्लॉयडी नहीं होती। हाइलम खाली एक स्कार है, एक अटैचमेंट का पॉइंट है, उसकी कोई प्लॉयडी नहीं होती। एम्ब्रियोसैक हम पढ़ेंगे, हैप्लॉयड होगा। तो कंप्लीट कर लो ये डायग्राम, सिंगल व्यू छोड़ दिया है, पॉज करके कंप्लीट कर लो। ठीक है, एक एक करके देखते हैं इनके पॉइंट्स। फ्यूनिकल इज अ स्टॉक, डंडे जैसा एक स्ट्रक्चर है। ये क्या कर रहा है? इट कनेक्ट्स ओव्यूल विद प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच का कनेक्शन है फ्यूनिकल। फिर आता है हमारे पास हाइलम। हाइलम की अगर हम बात करते हैं तो हाइलम इज जस्ट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। जैसे आपके बॉडी पे, आपके स्टमक, आपके एब्डोमेन पे बेली बटन है ना, बेली बटन, वहीं से अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा हुआ था, है ना? तो वैसे हाइलम इट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद ओव्यूल। ठीक है, जब हमारा सीड मैच्योर हो जाता है तो यही हाइलम कैसा लिखता है, एक निशान जैसा नजर आता है, स्कार लिखा रहता है कई जगह इसके लिए, स्कार लाइक टिश्यू। तो स्कार मतलब क्या है, एक निशान रह जाता है, तो वो हो गया तुम्हारा हाइलम। फिर आए हमारे इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट की अगर हम बात करें तो ये है हमारा प्रोटेक्टिव एनवेलप। प्रोटेक्टिव एनवेलप यही आगे जाके फर्टिलाइजेशन के बाद सीड कोट बन जाता है। इंटेग्यूमेंट ही आगे जाके सीड कोट बनते हैं। फिर आता है न्यूसेलस। न्यूसेलस को अगर हम देखें तो न्यूसेलस क्या होगा हमारा? इट इज द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल। न्यूसेलस इज द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, इसके अलावा चलाजा या चलाजल एंड जो होता है, इट इज कंसिडर्ड एज बेस ऑफ ओव्यूल। इसके अलावा माइक्रोपाइल,
माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग एट टिप ऑफ ओव्यूल. टिप को ही एपेक्स कहते हैं. टिप ऑफ ओव्यूल, ओपनिंग एट टिप ऑफ ओव्यूल, जहां पर कौन एब्सेंट है, कौन सी चीज मिसिंग है, इंटेग्यूमेंट्स मिसिंग है. तो वेयर इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट, वहां इंटेग्यूमेंट नहीं है. तो वो हो गया आपका माइक्रोपाइल. तो ये हैं सारे के सारे हमारे टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स. फ्यूनिकल एक स्टॉक था जिससे प्लेसेंटा जुड़ता है. हाइलम खाली वो अटैचमेंट पॉइंट है जितने पर फ्यूनिकल चिपका हुआ है. इंटेग्यूमेंट प्रोटेक्टिव एनवेलप्स थे. न्यूसेलस मेन बॉडी है ओव्यूल का. चलाजा इज द बेस, माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग एट द टिप. ठीक है, यह है हमारा एक ओव्यूल के सारे पार्ट्स. सिंगल व्यू, ठीक है. ये वाला डायग्राम हम देख चुके हैं. अगेन ध्यान रखो, ऊपर से फ्यूनिकल दिखाया है और फिर सब कुछ घूम चुका है. ठीक, हमारे डायग्राम में क्या था, हमारे डायग्राम में फ्यूनिकल नीचे से आ रहा था और फिर इस डायरेक्शन में घूम गया. तो अल्टीमेटली तो घूम ही रहा है ना. तो चाहे ऐसी कंडीशन हो चाहे वैसी कंडीशन हो, दोनों में ही अगर मैं देखूं तो जो भी स्टार्ट पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में चीज घूम चुकी है, जो भी स्टार्ट पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में चीज घूम चुकी है. तो ये एनाट्रोपस कंडीशंस 180 डिग्री रोटेशंस कहलाती हैं. अगेन एक 11th की चीज, कार्पल जो होता है 11th में प्लांट किंगडम में, 11th में प्लांट किंगडम में बताया गया है एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं मेगास्पोरोफिल. एक ऐसा स्ट्रक्चर जिस पर बहुत सारे मेगास्पोरेंजियम मिलेंगे. तो फ्लावरिंग प्लांट में वी हैव कार्पल, कार्पल्स हैव ओवरी, ओवरी हैज ओव्यूल, ओव्यूल्स आर मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल्स आर कंपेयर्ड टू मेगास्पोरेंजियम. ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, दिस इज नोन एज द फीमेल गैमेटोफाइट. इसके अंदर फीमेल गैमेट बनता है, तो दैट इज द फीमेल गैमेटोफाइट. एंड एम्ब्रियो सैक विल हैव एग, एग इज द फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट को ही मेगा गैमेट कहते हैं या ऊ स्फेयर कहते हैं. वापस से साथ साथ लिखवा दे रहा हूं, कार्पल्स आर 2n, ओवरीज आर 2n, ओव्यूल्स आर 2n, एम्ब्रियो सैक एंड एग्स आर n. एग का ही नाम फीमेल गैमेट, मेगा गैमेट या ऊ स्फेयर होता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है यह सारा का सारा. सिंगल व्यू में देख लो इसको, लिख लो इसको आराम से, फिर हम जाएंगे अपनी डेवलपमेंट्स पे. एनसीईआरटी क्या कहती है देख लें फटाफट. साथ में एनसीईआरटी रख दी इस बार. मेगास्पोरेंजियम को ही ओव्यूल लिखा है. क्या लिखा है उन्होंने, ओव्यूल एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, प्लेसेंटा से जुड़ा है. किसके थ्रू, एक स्टॉक के थ्रू जिसका नाम है फ्यूनिकल. तो जैसे हमारे बॉडी में जो काम अम्बिलिकल कॉर्ड का है वो काम यहाँ फ्यूनिकल का है. बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम. तो हाइलम खाली उस एरिया, उस उतने पॉइंट को कह रहे हैं जहां से फ्यूनिकल चिपका है. हाइलम क्या है, खाली जंक्शन है. जंक्शन मतलब अटैचमेंट पॉइंट. ईच ओव्यूल हैज वन या टू प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, इंटेग्यूमेंट्स. इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप.
टिप पर जो स्मॉल ओपनिंग है उसी को हमने पढ़ा माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग एट द टिप वेयर इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट। माइक्रोपाइल के ऑपोजिट एंड को चलाजा कहते हैं, जो बेस को रिप्रेजेंट करता है। विद इन द इंटेग्यूमेंट क्या है? मास ऑफ सेल है, न्यू सेलस, न्यूक्लियस नहीं, न्यू सेलस। न्यू सेलस में खाना भरा पड़ा है, और इसी न्यूसेलस के अंदर कौन है? एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमिटोफाइट। लास्ट लाइन क्या है? एन ओव्यूल जनरली हैज सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर। तो ये चीज हमने जो इंट्रोडक्शन अपना टुडेज गोल्ड देखा था वहां हमने कहा था ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग मिलेगा। ठीक है, जब हमने पढ़ाई करी थी मेल डेवलपमेंट की तो हमने वहां क्या पढ़ा था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगेमिटोजेनेसिस। पहले माइक्रोस्पोर बनेगा, फिर उसमें माइटोसिस से मेल गेमीट। वैसे यहां पर पहले मेगास्पोर बनेगा, फिर उसके अंदर हमारा मेगा गेमीट। लिख लो, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगा गेमिटोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर का जेनेसिस, मेगास्पोर का बर्थ। मेगास्पोर किससे बनेगा? मेगास्पोर मदर सेल से। तो सिंपल डेफिनेशन है इसकी भी, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। और कैसे बनेगा? मियोसिस से। ठीक है, हैप्लॉयड मेगास्पोर बन रहा है मेगास्पोर मदर सेल से और मियोसिस के थ्रू। तो मेगास्पोर का बनना इज मेगास्पोरोजेनेसिस, और मेगा गेमिटोजेनेसिस क्या हो जाएगा? इट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड एग या मेगा गेमीट। फ्रॉम मेगास्पोर बाय माइटोसिस, हैप्लॉयड एग फ्रॉम हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बाय माइटोसिस। वहां मियोसिस नहीं हो रही है, तो माइगास्पोरोजेनेसिस, मेगा गेमिटोजेनेसिस। अभी जो एग है पढ़ेंगे अभी हम, ये जो एग है ये अपने आप नहीं बन रहा। एग के साथ पूरा एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट एक साथ हो रहा है, पूरा एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट एक साथ हो रहा है। तो ये जो मेगा गेमिटोजेनेसिस है इट इज अकम्पनीड बाय एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। मेगा गेमिट अलग से नहीं बन रहा, मेगास्पोर से पूरा एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, अकंपनी मतलब साथ में, मेगास्पोर से पूरा एम्ब्रियो सैक बनना शुरू होता है, और उस एम्ब्रियो सैक का एक सेल विल बी दी एग। तो एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट के टाइम पर ही जो एग बन जाता है तो उसको हम बोलेंगे मेगा गेमिटोजेनेसिस। सिंगल व्यू, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे अब। क्या क्या एनसीईआरटी ने लिखा है? हाँ, इन्वर्टेड ओव्यूल बना रहे हैं अपना, ये बनाया मैंने इन्वर्टेड ओव्यूल। फिर स्टार्टिंग में इसमें सारे सेल्स जो थे
वो हम लेके चल रहे हैं न्यूसेलस। ठीक है, क्या है सारे न्यूसेलस। अब एनसीईआरटी की लाइन कहती है दैट ओव्यूल डिफरेंशिएट्स वन ऑफ द सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर रीजन। ऊपर वाला चलाजल एंड है, नीचे वाला माइक्रोपाइलर एंड, सी और एम। तो एनसीईआरटी कहती है कि वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस डिफरेंशिएट्स, वो अपने आप को एक मेगास्पोर मदर सेल में चेंज कर लेता है। तो मान लेते हैं इस वाले सेल को हम बोल देते हैं ये सेल। माइक्रोपाइल की तरफ एक सेल न्यूसेलस का अलग डेवलपमेंट पे चला जाएगा और ये कहलाने लगेगा मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगी? रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस, और मियोसिस से ये बना देगा मेगास्पोर टेट्राड। क्या बन जाएगा? मेगास्पोर टेट्राड। तो जब ये डेवलपमेंट होगी तो हमारे ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर के मियोसिस के बाद इस तरीके से चार मेगास्पोर्स बन जाएंगे। इनको हम बोलेंगे मेगास्पोर टेट्राड। वहां पे माइक्रोस्पोर का टेट्राड बना था, यहां मेगास्पोर टेट्राड बन रहा है। न्यूसेलस और ये ब्लू वाले चारों, इनको हम बोल रहे हैं मेगा स्पोर टेट्राड। माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड। तो दिस इज मेगा स्पोरोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज मेगा स्पोरो जेनेसिस। इसको बोल रहे हैं मेगा स्पोरो जेनेसिस। क्या क्या हुआ? न्यूसेलस का माइक्रोपाइल की तरफ एक सेल एमएमसी बन गया, मेगा स्पोर मदर सेल बन गया। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था यहां पे ये मियोसाइट है। हमने कहा था जिस सेल में मियोसिस हो वो मियोसाइट। मियोसिस करके इसने चार मेगास्पोर बनाए। हमें पता है एक सेल में मियोसिस होती है तो उसे चार प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये चार मेगास्पोर्स बन गए, नोन एज मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है, क्या बन गया हमारा? मेगास्पोर टेट्राड। अब इस मेगास्पोर टेट्राड के अंदर सारे काम नहीं करेंगे। इस मेगास्पोर टेट्राड में से जो एक चलाजल एंड वाला है, चार है ना लाइन में, लाइन में, तो जो चलाजल एंड वाला है, ऊपर वाला है, ये वाला जो है ये काम करेगा, ये फंक्शनल रहेगा, और बेचारे जो नीचे की तीन है ये काम करना नहीं छोड़, ये काम करना छोड़ देंगे। बस एक काम करेगा, वन विल वर्क एंड थ्री ऑफ देम विल डी जेनरेट। डेवलपमेंट ऐसी होती है इनकी, एक काम करेगा तीन काम नहीं करेंगे। और काम कौन कर रहा है? जो चलाजल एंड की तरफ है।
जो चलाजल एंड अंदर की तरफ है वो फंक्शनल होगा, और नीचे जो तीन माइक्रोपाइलर वाले हैं बेचारे, ये तीन ये डिजेनरेट हो जाएंगे, ये डेवलपमेंट ऐसी होती है। तो एक ही मेगास्पोर फंक्शनल है, इस एक मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनेगा, तो इसलिए यहां पे एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट को हम बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट को बोला जाएगा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये अभी क्या हुआ है, सिर्फ मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर बन चुके हैं, तीन खराब हो जाएंगे एक फंक्शनल बचेगा, तो दिस इज मेगास्पोरोजेनेसिस। फिर से सुन लो, एक न्यूसेलस का सेल माइक्रोपाइलर एंड पर, एम वाली साइड पर मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करेगा, मियोसिस करके चार मेगास्पोर बनाएगा, इसे बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। चार में से जो चलाजल एंड की तरफ है वो काम करेगा, और जो तीन नीचे की तरफ है ये काम करना छोड़ देंगे। ऐसा ही डेवलपमेंट होता है इनमें। तो क्योंकि एक ही मेगास्पोर से आगे का काम होगा, तो इसको अब हम आगे बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। सिंगल व्यू में देख के काम कंप्लीट कर लो। है, एनसीईआरटी ने क्या देखा है, एनसीईआरटी ने बताया कि माइक्रो पाइलर एंड के साइड पर सराउंडिंग सेल्स सारे न्यू सेल्स हैं, और यहां पर ये एक बड़ा सा डेंस साइटोप्लाज्म वाला बन रहा है एमएमसी। जब ये मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस दो पार्ट में होती है, तो पहले मियोसिस वन कराई तो आपके पास आया मेगास्पोर का डायाड, और फिर मियोसिस टू कराई, मियोसिस वन और मियोसिस टू दो पार्ट होते हैं सिंगल मियोसिस के, तब जाके क्या बन गए, मेगास्पोर टेट्राड। ये दो मियोसिस नहीं हो रही हैं, दिस इज अ सिंगल मियोसिस, सिंगल मियोसिस हैज टू पार्ट्स। जब हम मियोसिस पढ़ते हैं 11th में, तो मियोसिस हैज टू पार्ट्स, मियोसिस वन एंड टू। तो पहले मियोसिस के बाद डायाड और दूसरे के बाद टेट्राड बन चुका है, माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड पे मेगास्पोर टेट्राड बन चुका है। ये वाला काम करेगा, फंक्शनल रहेगा, और ये ऊपर वाले तीन ये डीजेनरेट हो जाएंगे, ये नॉन फंक्शनल रहेंगे, तीन माइक्रोपाइलर वाले। ठीक है, क्या लिखा एनसीईआरटी ने, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट्स सिंगल एमएमसी इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस। एक बड़ा सा सेल है, डेंस साइटोप्लाज्म और इसका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, एमएमसी में मियोसिस हो रही है, मियोटिक डिवीजन मतलब मियोसिस होना। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस, तो ये इसकी जो इंपॉर्टेंस है, टू जेनरेट हैप्लोइड जेनरेशन, बिना मियोसिस के हैप्लोइड जनरेशन नहीं आ सकती। व्हाट इज द, सॉरी, मियोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मेगा स्पोर्स। तो ये हो गया मेगा स्पोरोजेनेसिस। फिर आज के लिए लास्ट हेडिंग डाल लो, मेगा गैमेटोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस, या जिसे हम कह रहे हैं एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। और हमने क्या देखा, दैट वन चलाजल मेगास्पोर, वन
चलाजल मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल। चलाजल मेगास्पोर फंक्शनल था, माइटोसिस करेगा और बना लेगा हमारा एम्ब्रियो सैक। फीमेल गेमिटोफाइट भी इसे ही कहेंगे, ठीक है। चलाजल मेगास्पोर में माइटोसिस से एम्ब्रियो सैक बनेगा। एक ही स्पोर सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बन रहा है, तो इसीलिए इस डेवलपमेंट को एनसीईआरटी ने लिखा है मोनो स्पोरिक डेवलपमेंट। प्लांट किंगडम में, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन प्लांट किंगडम में ऐसा भी होता है कि दो स्पोर से एम्ब्रियो सैक बने, दो स्पोर खराब हो जाएं। ऐसा भी होता है चारों मेगास्पोर्स मिल के एक साथ एक एम्ब्रियो सैक बनाए। तो बायस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट्स होती हैं एम्ब्रियो सैक की। टेट्रास्पोरिक में कोई भी मेगास्पोर डिजेनरेट नहीं होता, बायस्पोरिक में दो होते हैं, दो नहीं होते। हमें वो याद नहीं रखना, हमें याद यही रखना है कि एक चलाजल मेगास्पोर ही काम कर रहा है, बाकी तीन खराब हो रहे हैं। तो दिस इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, दिस इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या होगा यहां पे, हमने क्या देखा? एनाट्रोपस ओव्यूल बना लेते हैं अपना, इस एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर ही हमारा न्यूसेलस है। न्यूसेलस ही हमारा रिजर्व्ड फूड मटेरियल है, जो भी डेवलपमेंट चल रही है उसके लिए सारा खाना यहीं से आ रहा है। हमने क्या कहा लास्ट में, हमारे पास क्या आया है? एमएमसी में मियोसिस से चार मेगास्पोर्स बने, तीन तो खराब हो गए, एक फंक्शनल बचा। तो इस डायग्राम में हम क्या दिखाएंगे, सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर दिखा रहे हैं अपना, बाकी तीन मेगास्पोर डिजेनरेट हो गए, तो उनको ऐसे लाइन से दिखा दे रहा हूं। दिस इज माय फंक्शनल मेगास्पोर। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होगा? ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इट विल अंडरगो मेनी फ्यू न्यूक्लियर माइटोसिस। पहली माइटोसिस हुई, कैसी माइटोसिस है? फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। लिखो कॉपी में साइड में, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। तो इस मेगास्पोर के अंदर दो न्यूक्लियस रेडी हो जाएंगे, फिर इसमें फिर माइटोसिस हो रही है, यह भी फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस है, सेल वॉल नहीं बन रही अभी, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा अभी। देयर विल बी नो साइटोकाइनेसिस। तो अब मेरे पास क्या आ गए? चार न्यूक्लियस आ गए। न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो रहा है, और फिर ये एक राउंड ऑफ डिवीजन और कराएगा अभी। तो पहला न्यूक्लियर माइटोसिस, सेकेंड और थर्ड माइटोसिस इन दोनों न्यूक्लियस का, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ माइटोसिस, इसके बाद जाके सबने फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस कराई है। फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस मतलब ओनली कैरियोकाइनेसिस इज टेकिंग प्लेस।
सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा। तो अब मेरे पास फाइनल स्टेप पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस की स्टेज, 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। अगर मैं मान के चलूं ये मेरा पेरेंट था ना, ये जो मेरा फंक्शनल मेगास्पोर है ये पेरेंट सेल है, डिवीजन हुआ, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, डिवीजन हुआ, दिस इज द सेकेंड जनरेशन, और ये बाद में डिवीजन के बाद आया थर्ड जनरेशन। 3 जनरेशन आई है। अब ये जो 8 न्यूक्लिएट स्टेज है इसमें होंगी रीअरेंजमेंट, और यहां पर होंगी सेल वॉल फॉर्मेशन। रीअरेंजमेंट होगा न्यूक्लियस का और सेल वॉल फॉर्मेशन होगी। हमारे डायग्राम्स में ये रहा चलाजल एंड और नीचे है माइक्रोपाइलर एंड, चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड, चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड, चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड। तो जो रीअरेंजमेंट होनी है ना फाइनल, एनसीईआरटी ने कहा है दैट 6 of the 8 nuclei आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। इन 8 में से 6 न्यूक्लियस के चारों तरफ ही सेल वॉल बनेगी। चलाजल एंड की तरफ 3 न्यूक्लियस शिफ्ट होके जाते हैं और इनके पास सेल वॉल बनती है। तीन न्यूक्लियस माइक्रोपाइल की तरफ जाते हैं, इनके पास सेल वॉल बनती है, और 2 न्यूक्लियस बिना सेल वॉल के ही बीच में रह जाएंगे। तो ये है टोटल। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर अब तुम्हें दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर, दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट। ये बन गया मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम क्या बोलते आ रहे हैं तब से, एम्ब्रियो सैक। चलाजल एंड ऊपर, माइक्रोपाइलर एंड नीचे, ठीक है। तो ये है मेगा गैमेटोजेनेसिस, ये वाला एग है, बाकी की लेबलिंग करेंगे अभी अगले स्लाइड पे। ये जो एक सेल है ये एग बना है मेरा। तो ये जो डेवलपमेंट हुई अभी सारी, इसी डेवलपमेंट से एम्ब्रियो सैक बना है पूरा, और उसमें से एक सेल बना है मेरा एग, इसीलिए मेगा गैमेटोजेनेसिस स्लैश एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट लिखा है। एक ही मेगास्पोर से पूरा एम्ब्रियो सैक बना है, तो इसलिए हमने इसको बोला मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। मेगास्पोर के न्यूक्लियस में पहली माइटोसिस हुई बिना साइटोकाइनेसिस के, तो 2 न्यूक्लियस रेडी हो गए। इनमें भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, माइटोसिस हुई, 4 न्यूक्लियस रेडी हो गए। तो शुरुआत से लेके एंड तक क्या हुआ है, 7 फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, स्टार्टिंग से लेके एंड तक 7 बार फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस हुई है, और 3 जनरेशन के बाद एम्ब्रियो सैक आया है। यहां से यहां पे जनरेशन चेंज नहीं है, यही 8 न्यूक्लियस 3 चलाजल एंड पे, 3 माइक्रोपाइलर एंड पे गए, सेल वॉल से घिर गए, और 2 बीच में तन्हा रह गए। इसी डायग्राम में अगर मैं देखूं तो 3 न्यूक्लियस चलाजल एंड की तरफ, 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और 2 बेचारे बीच में आ जाते हैं। तो 3 ऊपर 3 नीचे वॉल से घर के, बीच में 2 रह गए तन्हा अकेले एक दूसरे के साथ ही। तो ये बन जाता है मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। सिंगल व्यू देख लो, पॉज करके जो भी मिसिंग है काम कंप्लीट करो।
फिर इसकी लेबलिंग देखते हैं, ठीक है। फाइनली जब हम एम्ब्रियो सैक को देखेंगे वही सिनेरियो है मेरा, चलाजल एंड ऊपर है, माइक्रोपाइलर एंड नीचे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एक दो और ये तीन सेल्स, दीज थ्री सेल्स, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। तीन एंटीपोडल सेल्स हैं, इनका एज सच कोई नोन फंक्शन नहीं है। तीन एंटीपोडल्स का एज सच कोई नोन फंक्शन नहीं है, ये डिजेनरेट हो जाते हैं कभी कभी, बहुत रेयर इंस्टेंसेस में देखा गया कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देते हैं, बहुत रेयर केसेस में, ठीक है। फिर नीचे दो सेल्स ऐसे हैं जिनकी सेल वॉल अंदर की तरफ बेंड हो रही है, सेल वॉल ही अंदर की तरफ ऐसे बेंड हो जा रही है। तो दीज टू सेल्स आर नोन एज टू सिनर्जिड्स। ये सारे सेल्स हैप्लोइड हैं, सिनर्जिड में ये जो मैंने एक्सटेंशन बनाई है, सिनर्जिड में ये जो मैंने एक्सटेंशन बनाई है सेल वॉल की, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस जो होते हैं इनका काम है पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करना, दे गाइड एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब इस गेट के थ्रू अंदर आता है। इनके पास जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा माइक्रोपाइल की तरफ होता है और इनके सेल्स के अंदर वैक्यूल मिलता है, वैक्यूल इनका ऊपर है, चलाजल एंड की तरफ है। ये डायग्रामेटिक फीचर है एनसीईआरटी का, सिनर्जिड्स का वैक्यूल चलाजल एंड की तरफ है और न्यूक्लियस माइक्रोपाइल की तरफ। फिर एक जो थर्ड सेल है यहां पे, इस ग्रुप का थर्ड सेल पीछे छुपा होता है, इसका न्यूक्लियस चलाजल एंड को फेस करता है और इसका जो वैक्यूल है वो माइक्रोपाइल की तरफ है। दिस सेल इज योर वन एग सेल। एग सेल भी ऑब्वियस है, हैप्लॉइड ही होगा। सिनर्जिड्स जो मिलते हैं हमें यहां पे, ये जो सिनर्जिड्स हैं ये हेल्पर सेल्स हैं। सिनर्जिड्स हेल्प करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, दे रिलीज सिग्नल टू अट्रैक्ट पोलन ट्यूब। ये केमिकल सिग्नल्स रिलीज करते हैं जिससे पोलन ट्यूब को पता चलता है किस डायरेक्शन में ग्रो करके आना है, तो वो सिनर्जिड्स का काम है। तो ये हमारे क्या है, हेल्पर, कोऑपरेट कर रहे हैं, मिलके उसकी मदद कर रहे हैं एग को कि एग तक गैमीट आ पाए, उसके लिए पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करवाते हैं ये, ठीक है। प्लस इन्हीं का फिलीफॉर्म पैटर्स है जो पोलन ट्यूब के एंट्री को सही दिशा दिखाता है, भाई इस तरफ से अंदर आइए। फिर हमने कहा कि दो न्यूक्लियस तो बीच में रह गए, तो ये जो दो न्यूक्लियस बीच में रह गए हैं, दीज आर नोन एज टू पोलर न्यूक्लियाई।
ये दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, और जो पूरा सेल है अब इनका, डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, इन सब को हटाने के बाद ये जो बड़ा सा सेल रह गया है, ये जो सारा सेल है डॉटेड डॉटेड लाइन से जो मैं दिखा रहा हूं, बीच का ये सारा का सारा सेल इज वन लार्ज सेंट्रल सेल। इसे आप डिप्लॉइड नहीं, 2n नहीं बोलोगे, हैप्लॉइड है n प्लस n, डिप्लॉइड नहीं है, दो न्यूक्लियस हैप्लॉइड अलग अलग हैं। यही लार्ज सेंट्रल सेल है जो आगे जाके इट विल लेटर फॉर्म एंडोस्पर्म सेल, आगे जाके फर्टिलाइजेशन के बाद बनाएंगे। तो दिस इज योर एम्ब्रियो सैक। कैसा एम्ब्रियो सैक है? सेवन सेल्ड, एट न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। न्यूक्लियस का नंबर 8 है, सेल्स 7 हैं, तीन एंटीपोडल सेल, एक सेंट्रल सेल, एक एग सेल और दो सिनर्जिड के सेल। तो नंबर ऑफ सेल इज 7, बट नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज टोटल 8। तो ये सारे के सारे मेंबर्स हैं यहां पे, ठीक है। हमने क्या कहा था, माइक्रोपाइल, हमारा जो माइक्रोपाइल है वो हमारा एपेक्स है, वो हमारा टिप है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है पोलर न्यूक्लियाई के लिए, दैट इट इज सिचुएटेड बिलो एग अपैरेटस, इट इज सिचुएटेड बिलो एग अपैरेटस। एग अपैरेटस किसको बोलते हैं? एग सेल और सिनर्जिड्स को एक साथ एग अपैरेटस कह रहे हैं, इन तीनों को एक साथ एग अपैरेटस कह रहे हैं। तो माइक्रोपाइल टिप है, अगर मान लो तुम मुझे उल्टा कर दो, तुमने मुझे मुझे उल्टा कर दिया है, तो ये मेरा हेड है और ये मेरा चेस्ट है, तो चेस्ट मेरे हेड के नीचे ही रहेगी ना। तुम मुझे पूरा इन्वर्ट भी कर दोगे तब भी एनाटॉमिकली सर नीचे दिखेगा, लेकिन कहलाएगा तो यही ना कि चेस्ट इज बिलो हेड। तो वही चीज है यहां पे, सिंगल व्यू देख के कंप्लीट कर लो। सेवन सेल्ड, एट न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, ये है हमारा, ठीक है। पूरा एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड कहलाता है, सेंट्रल सेल को डिप्लॉइड नहीं कहते, वो दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल ही कहलाएगा, ठीक है। जब हम एग अपैरेटस लिखते हैं, तो इट इज एग प्लस टू सिनर्जिड्स, ठीक है। एग अपैरेटस इज दिस, ये जो हमने एम्ब्रियो सैक देखा है, ये है रियलिटी में एम्ब्रियो सैक माइक्रोस्कोप में। इधर माइक्रोपाइलर एंड है, इस डायग्राम में ये चलाजल एंड ऊपर, माइक्रोपाइलर एंड नीचे, ठीक है। तो ये है हमारा सारा एम्ब्रियो सैक जो हमने ये ड्रॉ किया है। क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में डाल दो क्लियर है तो। एनसीईआरटी के डायग्राम में क्या है, एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग में माइक्रोपाइलर एंड ऊपर चलाजल एंड नीचे दिखाए हैं, लेकिन इस डायग्राम में उल्टा कर दिया है, यहां चलाजल कर दिया है और यहां माइक्रोपाइलर कर दिया है। तो सबसे पहले दो न्यूक्लियस बने, फिर उससे चार न्यूक्लियस बने, फिर टोटल 8 न्यूक्लियस बने,
माइक्रोपाइलर एंड पे सिनर्जिड और एग डेवलपमेंट, दो पोलर न्यूक्लियाई, बीच का सारा सेल सेंट्रल सेल एंड थ्री एंटीपोडल्स। यहां पे डायग्राम लास्ट वाला उल्टा कर दिया एनसीईआरटी ने, तीन एंटीपोडल्स, पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, एग। एग में दिख रहा है न्यूक्लियस ऊपर दिख रहा है, तो ऑब्वियसली इसका वैक्यूल नीचे है, और सिनर्जिस में दिख रहा है वैक्यूल ऊपर है न्यूक्लियस नीचे, तो क्वेश्चन आ सकता है सिनर्जिड का वैक्यूल, सिनर्जिड का वैक्यूल चलाजल है न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर, एग का न्यूक्लियस चलाजल है और उसका वैक्यूल माइक्रोपाइलर। एग अपैरेटस की अगर क्वेश्चंस आते हैं तो एग अपैरेटस थ्री सेल्ड थ्री न्यूक्लिएटेड है, दो सिनर्जिड्स एक एग सेल। एम्ब्रियो सैक पूछा जाता है तो वो सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस 3+2+3, तीन एंटीपोडल के न्यूक्लियस, दो सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस और तीन एग अपैरेटस के न्यूक्लियस, और सेल की अरेंजमेंट है 3+1+3, तीन एंटीपोडल एक सेंट्रल सेल और फिर एग अपैरेटस के तीन सेल। तो क्वेश्चन में ये बहुत ध्यान देना कि एग अपैरेटस पूछा है या एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक कैसा था हमारा, सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएट। फॉर्म्ड बाय सेवन फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, और जेनरेशंस कितने लगे, तीन जेनरेशन लगे। कई बार एनसीईआरटी में लिख दिया जाता है कि वहां पर तीन ही माइटोसिस हुई है, माइटोसिस सात बार हुई है वहां पे, एक मियोसिस से एक मेगास्पोर, और उसके बाद तीन माइटोटिक जेनरेशंस लगी हैं जिसमें टोटल सात बार माइटोसिस देखी गई हैं, तब जाके आपका एम्ब्रियो सैक बन जाता है। फीमेल गेमिटोफाइट डेवलपमेंट क्या लिखा है कि ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट में एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, तीन डिजेनरेट हो जाते हैं। वन फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गेमिटोफाइट या एम्ब्रियो सैक, क्योंकि सिंगल मेगास्पोर इन्वॉल्व था तो इसे हम कहेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, व्हाट विल बी द प्लॉयडी ऑफ सेल्स ऑफ न्यू सेलस, 2n डायग्राम में लिख चुके हैं, एमएमसी 2n, मेगास्पोर n मियोसिस के बाद बना है, गेमिटोफाइट n मेगास्पोर के माइटोसिस से बना है, न्यूक्लियस जो है फंक्शनल मेगास्पोर का माइटोसिस करता है, दो न्यूक्लियस बना लेगा जो ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, तो टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बना है। अभी ये इमेच्योर एम्ब्रियो सैक्स हैं, टू मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक डिविजन्स, एक डिवीजन से टू न्यूक्लिएट स्टेज आई, दो और डिवीजन हुई तो चार न्यूक्लिएट स्टेज आई, और फिर क्या लिखा है आगे, एंड लेटर द एट न्यूक्लिएट स्टेज। तो जनरली क्वेश्चन पेपर जो बनाते हैं लोग वो वन और इसको दो, बस तीन ही काउंट कर लेते हैं, जबकि वो गलत है। इसके बाद एनसीईआरटी ने लिखा है लेटर द एट न्यूक्लिएट स्टेज, तो टू मोर सीक्वेंशियल के बाद फोर और डिवीजन हुए, 1+2+4, तो सेवन माइटोसिस हुई है। ये सारे माइटोटिक डिविजन्स फ्री न्यूक्लियर हैं, मतलब न्यूक्लियर डिविजन मतलब कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, कैरियोकाइनेसिस के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही है, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन,
साइटोकाइनेसिस में ही सेल वॉल्स बनती हैं, तो सेल वॉल्स नहीं बन रही आफ्टर द एट न्यूक्लियस स्टेज. जब सारे के सारे आठ न्यूक्लियस रेडी हैं तब सेल वॉल बनती है और तब टिपिकल एम्ब्रियो सैक बनता है. ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन, क्या लिखा है यहां पे, साफ साफ लिखा है छह न्यूक्लियस सेल वॉल से सराउंड होती है. द रिमेनिंग टू न्यूक्लियाई जो बच गई इनको हम आप बोलते हो पोलर न्यूक्लियाई. कहाँ है, सिचुएटेड बिलो एग एपैरेटस. बिलो क्यों बोला, क्योंकि चाहे ओव्यूल को आप कैसे भी रख दो माइक्रोपाइल को ही टिप कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, माइक्रोपाइल विल बी कंसिडर एज टिप और उस सेल को बोलेंगे लार्ज सेंट्रल सेल. तीन सेल्स माइक्रोपाइल पर एक साथ एग अपैरेटस कहलाते हैं, जिसमें दो सिनर्जिड और एक एग है. सिनर्जिड में ही सेल वॉल की थिकनिंग्स हैं, फिलिफॉर्म अपैरेटस, जो पोलन ट्यूब को गाइड करेंगे सेल के अंदर. तीन सेल चलाजल एंड पर हैं, वो एंटीपोडल बनेंगे. सबसे बड़ा सेल सेंट्रल सेल है, इसलिए उसको लार्ज सेंट्रल सेल कहते हैं. उसके पास दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, तो टोटल आठ न्यूक्लियस और सात सेल्स. ठीक है, देख लो फटाफट क्वेश्चन, पॉज करते जाओ फिर देखते जाओ अपना आंसर बता के. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, पोलन इज शेड एट टू सेल स्टेज, डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस. तो ये गलत है, हमने कहा था जब टू सेल पे भी पोलन ग्रेन निकलता है तो वो मेल गैमेट तो बना ही लेगा आगे जाके. वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है जनरेटिव से, तो ये ट्रू है. पोलन ग्रेन कुछ प्लांट में महीनों के लिए वायबल है, ट्रू है. इंटाइन सेलुलोज पेक्टिन का है, ट्रू है. अगेन स्पोरोपोलिनिन के लिए इनकरेक्ट, एक्साइन स्पोरोपोलिनिन का बना है, सही. मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, सही. एक्साइन में अपर्चर ओपनिंग्स एंड जर्मपोर नाम की, जहां स्पोरोपोलिनिन इज प्रेजेंट, गलत. स्पोरोपोलिनिन बहुत चीजें विथस्टैंड टॉलरेट कर सकता है, सही. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो स्पोरोजीनस टिश्यू को हैप्लॉइड बोला है, फॉल्स. डिप्लॉइड होते हैं, उससे जो स्पोर बनेगा माइक्रोस्पोर वो हैप्लॉइड था. एंडोथीसियम माइक्रोस्पोर बना रहा है, फॉल्स. स्पोरोजीनस टिश्यू बनाएगा. टेपिटम नरिशमेंट देता है, ट्रू. हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज इंटाइन, गलत. एक्जाइन होती है. ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू पैरेन्काइमेटस कुशन कॉल्ड, गद्देदार टिश्यू कौन थी, प्लेसेंटा. ये हमें नहीं पढ़ना, ऑब्टुरेटर. ऑब्टुरेटर वाला वर्ड हमें दिमाग में नहीं रखना. वो पॉइंट जहां फ्यूनिकल और ओव्यूल टच होते हैं, हाइलम. एग एपैरेटस में क्या था, एग एंड टू सिनर्जिड्स. फिलिफॉर्म किसका पार्ट था इसमें से, सिनर्जिड. ठीक है, सो दैट वॉज इट फॉर दिस लेक्चर. इस लेक्चर का जो तुम्हारा ज्ञान था, तो एक बहुत पहले एक कॉयर में हम सॉन्ग गाते थे कि तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशा, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमां, है ना. तो इस तरीके से लिव योर लाइफ इन सच अ वे कि तुम्हारे फुटप्रिंट्स को लोग फॉलो करना चाहें. ऐसे एक अच्छा जीवन भी तो बिताओ कि जो तुम्हारे पीछे, जो तुम्हारे जूनियर्स, तुम्हारे घर में जो तुम्हें लुक फॉरवर्ड करते हैं, उनके रोल मॉडल बनो. ठीक है, तो इस तरीके से जिंदगी जियो कि यू आर लीडिंग अ लाइफ विच अदर्स कैन ऑल्सो फॉलो. विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ. अच्छे से सारा रिविजन करना, सारी एनसीईआरटी वापस पढ़ना, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन अगली क्लास से पहले पढ़ के रखना है. ठीक है, थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ.